अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं बनाने लगी हूँ बीफ टिक्का बिरयानी। बीफ टिक्का बिरयानी के लिए पहले मैं बीफ को मैरिनेट करके रखूँगी 2 से 3 घंटे के लिए, और उसके बाद फिर हम इसकी कुकिंग की तरफ आएंगे। तो मैरिनेशन मैं पहले तैयार कर लेती हूँ। बीफ मैंने लिया है 1/2 kg, 1/2 kg बीफ है, और इसके अंदर मैं डालूँगी 3 टेबल स्पून भर के योगर्ट। मज़ीद योगर्ट भी यूज़ होगा, लेकिन अभी मैरिनेशन के लिए हमें बस 3 to 4 टेबल स्पून ही रिक्वायर्ड है। 3 टेबल स्पून योगर्ट मैंने डाल दिया है इसके अंदर। 1/2 कप विनेगर डलेगा, 1/2 कप विनेगर डाल दिया। अदरक और लहसुन का पेस्ट, 1 टीस्पून अदरक का पेस्ट और 1 टीस्पून ही लहसुन का पेस्ट। ये मैंने बना के, क्योंकि फ्रीज़ किया हुआ होता है तो ये भी जमा हुआ है। और ये मसाले सारे मैं बता देती हूँ। लाल मिर्च पाउडर 1 टीस्पून, कुटी हुई लाल मिर्च 1 टीस्पून, खुश्क धनिया 1 टीस्पून, काली मिर्च 1/2 टीस्पून, गरम मसाला पाउडर 1 टीस्पून, हल्दी 1/2 टीस्पून, और ये तंदूरी मसाला ये 2 टीस्पून मैं डाल रही हूँ इसके अंदर। तंदूरी मसाला 2 टीस्पून, काली मिर्च पाउडर 1/2 टीस्पून, खुश्क धनिया 1 टीस्पून, कुटी हुई लाल मिर्च 1 टीस्पून, पिसी हुई लाल मिर्च 1 टीस्पून, सॉल्ट आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालेंगे, मैं 1 टीस्पून इसके अंदर डाल रही हूँ, और गरम मसाला टिप पाउडर ये भी 1 टीस्पून। ये सारे इसके अंदर हम मसाले डालेंगे और इसको मिक्स करके हम रख देंगे 2 से 3 घंटे। जितना ज़्यादा टाइम आप इसको मिक्स रखेंगे मैरिनेशन को, उतनी ज़्यादा मैरिनेशन आपकी अच्छी होगी। तो मैं कम अज़ कम इसको 3 घंटे जो है वो रखूँगी, और उसके बाद हम इसकी कुकिंग की तरफ आएंगे। अब क्योंकि मौसम काफ़ी चेंज हो रहा है, गर्म हो रहा है, तो मैं इसको फ्रिज के अंदर रखूँगी, रूम टेम्परेचर पे नहीं रखूँगी, क्योंकि गोश्त है तो उसके ख़राब होने का ख़तरा होगा। बस ये अच्छी तरह से मिक्स हो गया है और इसको अब हम फ्रिज के अंदर रख देंगे 3 घंटे के लिए। 3 घंटे गोश्त जो है वो मैरिनेट करके मैंने रखा था, और उसके बाद मैंने इसको पतीले में डाला है, और इसके अंदर मैं 1.5 कप तकरीबन पानी डाल रही हूँ, और इसको कवर करके मैं 1/2 घंटे के लिए लो फ्लेम पे रखूँगी, ताकि जो गोश्त है वो हमारा अच्छी तरह से गल जाए, क्योंकि बीफ को गलने में थोड़ा सा टाइम लगता है। तो इसको 1/2 घंटे के लिए मैं लो फ्लेम पे कवर करके रख दूँगी, और उसके बाद देखेंगे इंशाल्लाह हमारा गोश्त जो है वो गल चुका होगा। गोश्त हमारा जो है वो बहुत अच्छा सा गल चुका है, देखिए बहुत ज़बरदस्त सा, और इसके अंदर जो पानी था वो भी खुश्क हो गया है। पैन में मैंने प्याज, 3 मैंने प्याज ली थी, इनको मैंने गोल्डन कर लिया है, ब्राउन कर लिया है। इसमें से मैं 1/2 प्याज जो है वो निकाल दूंगी, 1/2 प्याज मैं इसमें से निकाल दूंगी, और बाकी जो 1/2 प्याज है इसके अंदर जो अभी हमने गोश्त गलाया है वो डाल दूंगी। देखिए 1/2 प्याज मैंने निकाल दी, और इसके अंदर मैं गोश्त भी डालूंगी, और इसके साथ ये टमाटर, ये 3 टमाटर हैं, इसको मैंने बारीक बारीक काट लिए, और इसके अंदर ये 1 प्याली दही और बिरयानी मसाला 2 टेबल स्पून ये मैंने डाल दिया है, और इसके अंदर ही मैं गोश्त डालूंगी जो अभी हमने गलाया था। गोश्त भी मैंने इसके अंदर डाल दिया है, और इसको अच्छी तरह से मिक्स करके तो मैं दोबारा से कवर करूंगी 10 मिनट के लिए, कि ये जो टमाटर वगैरह मैंने इसके अंदर डाले हैं ये सारे अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाएं, और फिर हम इसकी भुनाई करेंगे। ये देखिए अच्छी तरह से मिक्स करके मीडियम फ्लेम के ऊपर मैं इसको 5 मिनट के लिए बस कवर करूँगी, क्योंकि गोश्त के अंदर जो पानी था वो सारा खुश्क हो चुका है। तो अभी ये टमाटर और जो मैंने दही डाला है ये सारा अच्छी तरह से, टमाटर भी इसके अंदर सॉफ्ट हो जाएंगे, और बस 5 मिनट के लिए हम इसको कवर कर देंगे, और उसके बाद हम इसकी भुनाई करेंगे। देखते हैं बस ये टमाटर भी सॉफ्ट हो गए हैं, और अब हम इसकी करेंगे अच्छी सी भुनाई। भुनाई करने में भी हमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि प्याज भी हमने ब्राउन हो चुके थे और गोश्त भी ऑलरेडी गला हुआ है, तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इसको भुनाई करने में हमें। चावल मैंने ऑलरेडी बॉईल कर लिए हैं, चावल के अंदर नमक डाल के, नमक और साबुत काली मिर्च ज़ीरा ये डाल के मैंने उसको बॉईल कर लिया है। चावलों का अक्सर लोगों का मसला रहता है कि वो ना एक्स्ट्रा सॉफ्ट हो जाते हैं या खड़े खड़े नहीं रहते,
तो चावल बॉईल करते हुए उसके अंदर थोड़ा सा ऑयल और नींबू का रस ये डाल लिया करें, तो उससे चावल हमारे जो हैं वो खिले खिले से रहते हैं, आपस में जुड़ते नहीं हैं। बनाई देखें बहुत ज़बरदस्त सी कंप्लीट हो गई है, ये देखें मुश्किल से 5 मिनट लगे हैं इसको। इसको ऑयल ऑयल इसने छोड़ दिया है। अब क्योंकि हमने टिक्का बिरयानी बना रहे हैं तो अब हम इसको स्मोक देंगे। उसके लिए कोई भी आप ले लें, अब जैसे मैंने ये लिया है फॉइल, एक बर्तन में रखा है, छोटी भी मिलती हैं फॉइल वाली हमारे पास छोटी छोटी सी प्यालियाँ, वो भी आप ले सकते हैं। इसके अंदर मैं गरम किया हुआ जो कोयला है वो रखूँगी और इसके ऊपर मैं डालूँगी 1 चम्मच ऑयल और इसको हम कवर करेंगे थोड़ी देर के लिए। बहुत ज़बरदस्त किस्म की जो स्मोक है ये इसमें जा चुकी है, बड़ी प्यारी खुशबू आ रही है बारबेक्यू की, टिक्का की। अब हम चलते हैं लेयरिंग की तरफ। लेयरिंग के लिए मैंने पैन रखा है और इसमें मैं पहले डालूंगी चावल। चावल मैंने 2 कप लिए थे, 2 कप चावल मैंने बॉईल कर लिए हैं, उसको मैंने बॉईल करके रखा है 2 कप चावल को। पहले मैं चावल डालूंगी, मैं इसकी 2 ही लेयर्स लगा रही हूँ क्योंकि 2 कप चावल थे और आधा किलो गोश्त था। चावल की क्वांटिटी के हिसाब से आप चावल की 3 और गोश्त की 2 लेयर्स भी लगाएं, और मैं भी क्योंकि ये गोश्त की 1 और चावल की 2 लेयर्स लगाऊंगी। ये आधे चावल मैंने नीचे डालनी है और इसके ऊपर मैं डालूंगी जो हमने अभी तैयार किया है बीफ कोरमा, ये डालूंगी। ये मैं सारा इसके ऊपर डाल दूंगी क्योंकि मैंने इसकी 2 ही लेयर्स लगानी है चावलों की, 3 लेयर मैं नहीं लगा रही। ये देखिए इस तरह से मैंने ये सारे डालती हैं। बहुत ज़बरदस्त किस्म की खुशबू आ रही है बारबेक्यू की, टिक्के की, जो हमने इसको स्मोक किया था। मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर कर दें और कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर करिएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी, अपने व्यूज़ से मुझे आगाह करें। ये मैंने इसमें सारा जो कोरमा था वो डाल दिए और धनिया पुदीना ये मैंने आधी आधी गट्टी ली थी, आधा मैं अभी डालूंगी और आधा मैं ऊपर से डालूंगी, और फ्राई की भी प्याज जो हमने हाफ निकाली थी वो भी मैं थोड़ी सी अभी डाल दूंगी, थोड़ी सी हम डालेंगे बाद में। अब बाकी के जो चावल हैं वो मैं सारे इसके ऊपर डाल दूंगी। इस तरह से इसकी लेयरिंग करेंगे हम। चावल जब बॉईल करें तो उसको हल्का सा उसके अंदर कनी रहने दें, फुल बॉईल नहीं करने क्योंकि अभी हम इसको 20 से 25 मिनट जो दम देंगे उसके अंदर ये फुल गल जाएंगे चावल। ये बस मैंने सारे डाल दिए। पूरी चावलों की एक तह हमने बिछा दी और इसके ऊपर अब मैं डालूंगी फूड कलर, येलो फूड कलर ये मैंने डाल दिया। बाकी का धनिया और पुदीना जो बचा था वो डाल दिया। और डालेंगे हम जो प्याज हमने बाकी बचाई थी वो सारी प्याज हमने डाल दी, और डालेंगे हरी मिर्चें। अगर आप ज़्यादा स्पाइसी पसंद करते हैं तो ज़्यादा हरी मिर्चें डाल लें, नॉर्मल पसंद करते हैं तो जितना आप लाइक करते हैं उस हिसाब से। और अब हम इसको कवर करेंगे, कवर करके 20 मिनट हम इसको लो फ्लेम पे दम देंगे। आंच मैंने तेज़ की है और 2 मिनट बस तेज़ की है ताकि एक दफ़ा इसके अंदर ना स्टीम बन जाए, और अब मैं इसकी आंच लो कर रही हूँ और अब 20 मिनट के बाद लो फ्लेम पे इसको चेक करते हैं। 20 मिनट हो चुके हैं और अब हम इसको चेक करते हैं। ज़बरदस्त किस्म की स्टीम आपको नज़र आई भी होगी और बहुत ज़बरदस्त किस्म की बिरयानी तैयार हो गई है। ये देखें ज़बरदस्त किस्म की। अब मैं इसको करती हूँ डिश आउट। देखें मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर कर दें। इसको डिश आउट करते हैं।
बिरयानी है, इसकी खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। जो मैंने इसको दिया था कोयले के साथ, मैंने इसको बारबेक्यू का टच दिया है और ज़बरदस्त तिक्के का टच इसके साथ। हरी दही की चटनी जो होती है उसके साथ आप इसको खाएं। मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर कर दें। थैंक यू।